What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 17 अगस्त 2020 मंडे है, सुबह के 8:53 हो रहा है, नया वीक शुरू हो रहा है, पहला ट्रेडिंग सेशन है। सबसे पहले फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। फ्राइडे को ज़बरदस्त एक फॉल देखने को मिला था, एक कंसोलिडेशन फेज 4-5 दिनों से हम देख रहे थे, उसका लोअर बैंड ब्रेक होते ही एक ज़बरदस्त फॉल हमें फ्राइडे को निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिला। ये एक पिक्चर है फ्राइडे का, यानी 14 अगस्त आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। फ्राइडे का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,322 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,269। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, निफ्टी इंडेक्स पहले तो गैप अप ओपन हुआ और यहाँ पर जो फर्स्ट टारगेट था उसके भी ऊपर, यहाँ पर ऑलमोस्ट सेकेंड टारगेट के पास ही ओपन हुआ। फिर यहाँ से जब इसने टूवर्ड साउथ की तरफ एक मूवमेंट दिखाया तो ब्रेकआउट लेवल के पास जो कि ये मूविंग एवरेजेस आ रहे थे वहाँ पर इसने सपोर्ट टेस्ट करके फिर जो बाउंस बैक दिखाया, तभी फर्स्ट टारगेट 11,336 ये यहाँ पर अचीव हुआ और सेकंड टारगेट 11,349 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ। और जैसे ही यहाँ पर डबल टॉप फॉर्मेशन यहाँ पर क्रिएट हुआ और नीचे आके नेकलाइन इसने ब्रेक कर दिया, तो ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट 11,256 और सेकंड टारगेट 11,237 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ। तो काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट था फ्राइडे को। फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 28 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 21,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ये था फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट नासडैक करीब फ्राइडे को 23 पॉइंट के गिरावट के साथ बंद हुआ था। यूरोपियन बाजार में देखें तो वहाँ पर भी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि एशियाई बाजारों में आज SGX निफ्टी देखे तो 93 पॉइंट की बढ़त दिख रहा है। हालांकि जापानीज इंडेक्स 144 पॉइंट की गिरावट के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर भी देखे तो 117 पॉइंट की तेजी इस समय दिखा रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से अभी थोड़े से पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, एक बार मंथली चार्ट से शुरू करेंगे। ये निफ्टी इंडेक्स का मंथली चार्ट है, यानी एक कैंडल एक मंथ का हाई ओपन लो और क्लोज हमें दिखा रहा है। अभी अगर ये अगस्त का कैंडल देखे तो ये शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर अभी ये ट्रेड करने लग गया। तो नीचे आते वक्त जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 20 EMA का कैसे इसने लगातार सपोर्ट लेके एक बाउंस बैक दिखाया। तो अगर यहाँ से जैसे कि फ्राइडे को एक गिरावट आया था, अगर उसके बाद ये कंटिन्यू रहता है और 11,000 का अगर सपोर्ट अगर ये ब्रेक करता है तो नीचे एज पर मंथली चार्ट ये 20 EMA अराउंड 10,800 के पास आ रहा है। तो 10,800 एज पर मंथली चार्ट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इसके बाद अगर ये 10,800 अगर ब्रेक होता है तो ही यहाँ से हमें फिर से एक बार ज़बरदस्त गिरावट फिर से टूवर्ड साउथ की तरफ देखने को मिल सकती है। तो ये मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग हमारे सपोर्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है और ऊपर जब तक ये बेरिश कैंडल का हाई कंफर्टेबली ब्रेक नहीं होता, यानी 11,433 के ऊपर जब तक ये सस्टेन नहीं करता, यहाँ से निफ्टी में और तेज़ी यहाँ से देखने थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। तो चलते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को यहाँ पर ड्रॉ किया था, जिसका 61.8% का लेवल यहाँ पर हर्डल बन चुका है। फ्राइडे को भी देखें एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे आकर एग्जैक्ट 20 EMA ये जो पिंक लाइन है जहाँ पर कुछ दिनों पहले इसने सपोर्ट टेस्ट करके फिर से बाउंस बैक दिखाया था, वहाँ पर ही एग्जैक्ट इसने सपोर्ट टेस्ट किया है जो कि 11,100 के पास आ रहा है। तो अभी 11,100 एज पर डेली चार्ट अगर ब्रेक होता है तो ये जो 20 EMA है इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट एज पर डेली चार्ट 50 EMA का आ रहा है, जो कि अराउंड 10,750 के आसपास है। हमने मंथली चार्ट में देखा 20 EMA 10,800 के पास आ रहा था। तो जहाँ पर ये इस समय ये जो सपोर्ट लिया हुआ है इसने ये इस जगह पे और उसके बाद ये सेकेंड टाइम, तो ये जो स्विंग लोस है यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट के लेवल्स बन सकते हैं। यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस फेस किया था, उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर सपोर्ट फेस किया है। तो ये 11,100 को अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 10,900 का होगा एज पर डेली चार्ट स्विंग लो। तो ये था डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो।
20 EMA को अगर ये रिस्पेक्ट करता है तो फिर से यहाँ से हमें एक बाउंस बैक होते हुए दिखाई दे सकता है। जब तक ये 11,400 के ऊपर सस्टेन ना करे तब तक यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बनाना काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है। तो ये था डेली और मंथली चार्ट का एनालिसिस। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये है आर्ली चार्ट निफ्टी इंडेक्स। अगर ये जो यहाँ पर मैं इसे इसका स्टाइल चेंज कर देता हूँ, निफ्टी इंडेक्स अगर ये जो बियरिश कैंडल बना है लास्ट, उसका लो अगर ब्रेक करता है यानी 11,112 को अगर ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,087। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 11,062। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और निफ्टी इंडेक्स जैसे कि हम देख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी ज़बरदस्त तेज़ी दिखा रहा है, डाउ फ्यूचर भी इस समय तेज़ी में है। तो हो सकता है यहाँ से निफ्टी इंडेक्स अगर पिवट पॉइंट के लेवल के ऊपर अगर कंफर्टेबली सस्टेन करने लगे, यानी 11,217 के ऊपर अगर ये सस्टेन करने लगता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,238। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा ये ब्लू लाइन जो कि 50 एमए का लाइन है, यानी अराउंड 11,257 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।